नमस्कार, मैं डॉक्टर इंद्रजीत खांडेकर। आइए देखते हैं चिकित्सा विज्ञान के आधार पर कोरोना का अनावश्यक डर हम कैसे निकालें। क्या यह वायरस लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा? क्या हमें कोविड-19 के साथ रहना सीखना होगा? क्या हमारा कोविड-19 सीजन हो सकता है? पिछले कई सालों में हमने ऐसे वायरसों के साथ जीना सीखा है जो हमारे स्वास्थ्य तंत्र पर अचानक हमला करके हमें मौत के मुंह तक ले जा सकते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू, 4 से अधिक कोरोना वायरस और अन्य मानव श्वसन वायरस, और वे अभी भी हमारे साथ में हैं और हम सब उनके साथ जी रहे हैं। आपको ये जान के हैरानियत होगी कि WHO के हिसाब से हर साल पूरे विश्व में सीजनल इन्फ्लुएंजा से 290,000 से 650,000 लोगों की मौत होती है। 2017 और 18 के सर्दी के सीजन में सीजनल इन्फ्लुएंजा से अकेले US में 61,000, इटली में 17,000 से ज्यादा और भारत में 1,128 लोगों की मौत हुई थी। और ऐसा हर साल के सीजन में होता है और फिर भी हम इनके साथ सालों से जी रहे हैं, तो क्या हमें कोविड-19 के साथ भी जीना सीखना होगा? हार्वर्ड एपिडेमियोलॉजी के प्रोफेसर मार्क लिपिसिच ने कहा है कि दुनिया की लगभग 40-70% आबादी अगले साल तक कोविड वायरस से संक्रमित हो जाएंगी। उदाहरणार्थ, जैसे इन्फ्लुएंजा एंड स्वाइन फ्लू के साथ हम ऐसा ही होता हुआ देख चुके हैं। लेकिन साथ ही वे यह भी दृढ़ता से कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को इससे गंभीर बीमारी होंगी या मौत का खतरा होगा। उनमें से ज्यादातर को कोई लक्षण ही नहीं रहेंगे या फिर बहुत हल्की बीमारी होंगी और इस तरह वायरस तो फैलता ही रहेगा। WHO और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 वायरस से संक्रमित 80% लोगों में बीमारी के कोई लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक श्री बलराम भार्गव ने भी इस पर अपनी सहमति दी है। ज्यादातर लोगों में कोविड के कारण लक्षण नहीं दिखाई देते हैं या कम आते हैं, इससे ये साबित होता है कि ये इस वायरस की घातकता यानी खतरा बहुत कम है। यानी जिस तरह से पिछली विश्वव्यापी महामारियों में कई लोग नहीं जानते थे कि वे वायरस से संक्रमित हुए हैं क्योंकि उनमें बीमारी के लक्षणों की कमी थी या सिर्फ हल्के फ्लू जैसे लक्षण थे, उसी तरह ज्यादातर लोगों को इस बार भी पता नहीं चलेगा कि कोविड ने उन्हें संक्रमित किया है और कोविड उसी तरह फैलेगा जैसे ये पिछले वायरस अब हर जगह फैल चुके हैं। द लैंसेट मेडिकल जर्नल में 29 फरवरी की प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित मगर रोग के लक्षण न दिखाने वाले लोगों का पहले से ही व्यापक रूप से फैलाव हो चुका है। इसलिए आगे आने वाले सालों में बड़े शहरों में कोविड-19 का स्वतंत्र संक्रमण बार बार देखने में आ सकता है, जैसे कि फ्लू के साथ हो रहा है। टॉम जेफरसन ने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में बताया है कि अगर कोविड-19 के ऐसे लक्षण न रहने वाले लोगों में से अगर सिर्फ 10% लोग बाहर है तो इसका मतलब है कि वायरस हर जगह फैल चुका है। इसका मतलब हमने जब से कोविड के फैलाव को समझना शुरू किया है उसके बहुत पहले से ही यानी लंबे समय से यह वायरस लोगों में घूम रहा था। इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बहुत बड़ी आबादी पहले से ही कोविड-19 से संक्रमित हो चुकी है, यानी हमें पता चलने से पहले ही। टॉम जेफरसन ने यह भी कहा है कि यदि इतने सारे लोग पहले से ही संक्रमित है तो लॉकडाउन पर सवाल या निशान पैदा होता है। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में कोविड-19 से संक्रमित बिना लक्षण वाले लोगों को खोज पाना और क्वारंटाइन करना न केवल कठिन है बल्कि असंभव है। विशेषज्ञों के अनुसार कोविड-19 संभवतः पहले से मौजूद मानव श्वास रोगों के वायरस सेट का एक स्थायी हिस्सा होगा। इंसानों में अभी तक पहले से मौजूद 4 कोरोना वायरसों के लिए लंबे समय तक प्रभावी प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी अभी तक विकसित नहीं हो सकी है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोविड-19 भी पिछले कोरोना वायरस का ही अनुकरण करता है और उसी तरह फैलना जारी रखता है तो आगे से सभी हमारे कोल्ड और फ्लू के मौसम अब कोल्ड और फ्लू और कोविड-19 के मौसम हो सकते हैं। विशेषज्ञों के इस अनुमान के बाद अब ऐसा लगने लगा है कि कोविड-19 वायरस या लंबे समय तक रहने के लिए आया है।
इसलिए जैसे हमने पहले आ चुके 4 से अधिक कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू और अन्य श्वास रोग वायरसों के साथ रहना और जीना सीख लिया है, वैसे ही कोविड-19 के साथ रहना और जीना सीखना पड़ेगा। यदि हम पिछले महामारियों पर नजर डालेंगे तो समझ पाएंगे कि कोई नया वायरस स्वयं ही निर्धारित करता है कि उसे आपके साथ कितने समय तक रहना है। हमारा दुर्भाग्य है कि मानव यह समय निर्धारित नहीं कर सकता। इसलिए कोरोना के साथ जीने के लिए अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति यानी इम्यूनिटी अच्छी रखने का प्रयास करें। जितना हम इस कोरोना से घबराएंगे और दूर भागेंगे, उतना ही ये सब क्षेत्रों के लिए नुकसानदायी होगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि हम सब जल्द से जल्द इसके साथ जीना सीख लेंगे। धन्यवाद।